ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। वासवा, कोली तरी वासवा। सुशांत चौंक गया और जल्दी से नीचे झुककर कुएं में देखने लगा। पूर्णिमा का चांद सिर के ऊपर था, इसलिए कुएं के अंदर का हिस्सा कुछ हद तक दिखाई दे रहा था। आधा कुआं पानी से भरा हुआ था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी तैर रहा था। बूढ़ा आदमी पानी में से चिल्लाया, हे लड़के, मुझे पता है कि वो रक्त पिशाचिनी तुम्हारे पीछे पड़ी है, मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूं। तब तक विकास और चंदू भी कुएं में झांकने लगे थे। क्या सोच रहे हो लड़कों, मैं ही तुम्हें उस रक्त पिशाचिनी से बचा सकता हूं। लेकिन आप तो खुद पानी में फंस गए हो, आप हमें कैसे बचाओगे? तभी कुएं के पानी से एक सुंदर स्त्री ने अपना सिर उठाया। वो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी। लाल साड़ी वाली उस महिला ने कहा, लड़कों, तुम इस बूढ़े आदमी की बात मत सुनो, इसमें तुम्हें उस रक्त पिशाचिनी से बचाने की कोई शक्ति नहीं है। तुम मेरी एक शर्त पूरी करो और मैं तुम्हें उससे बचाऊंगी। सुशांत, ये दोनों इंसान नहीं है, ये आत्माएं हैं जो इस कुएं में रह रही है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो सुशांत। तभी उसी पानी से एक जवान लड़का निकला और उसने कहा, भाइयों, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु अटल है। मैं एक नेक आत्मा हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बदले में तुम मेरी शर्त पूरी करो। धीरे धीरे एक दो और आत्माएं पानी से बाहर आईं, जिनमें सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत भी थी। सुशांत, विकास और चंदू सभी उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन आत्माओं पर विश्वास करें या नहीं। वे सारी बातें सोचने लगे कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो क्या करें। सुशांत, मुझे लगता है हमें इन आत्माओं से मदद लेनी चाहिए, वरना वो रक्त पिशाचिनी हमें भी मार डालेगी। लेकिन उसके लिए हमें उनकी शर्त सुननी होगी, मैं उनसे उनकी शर्त पूछता हूं। और सुशांत ने कुएं के भीतर झुककर आत्माओं से पूछा, तुम्हारी शर्त बताओ। फिर सभी आत्माएं एक साथ बोलने लगी और उनका शोर शुरू हो गया। तभी सुशांत जोर से चिल्लाया, चुप रहो वरना हम सब यहां से चले जाएंगे। ये सुनकर सभी आत्माएं शांत हो गईं। कोई एक आत्मा अपनी शर्त बताओ। तभी एक सफेद बालों वाली बुढ़िया बात करने लगी, बच्चों, मैं आपकी दादी की तरह हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे मेरे ही घर से एक बोतल में बंद कर दिया और मेरी आत्मा को इस पानी में छोड़ दिया। मेरी आत्मा कई सालों से इस कुएं के पानी में सड़ रही है। बूढ़ी औरत आगे बोल ही रही थी कि तभी उस सुंदर औरत की आत्मा ने उसे टोका और बोली, इस बुढ़िया की बात मत सुनो, ये पापी है। इसके मरने के बाद इसने अपने बेटे और बहू को काफी दुख दिए हैं। इसने खुद के बेटे का ही पैर सड़ा दिया, उसके पैर सड़ गए और डॉक्टरों ने उसे काट दिया। अब वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। ऐसी निर्दयी औरत की आत्मा को तो कुएं में ही सड़ जाना चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया गुस्सा हो गई। चुप कर पापिनी, मैंने तुम्हारी तरह गैर मर्द के चक्कर में अपने पति को जहर देकर नहीं मारा। बच्चों, मेरा विश्वास करो, ये सभी पापी आत्माएं हैं, इनकी कुछ मत सुनो। मेरे खुद के बेटे ने बहू के शब्द सुनकर मुझे लात मारी, मुझे लकड़ी से मारा, मुझे कई दिन तक भूखा रखा। मैं हर दिन तड़पती रही और एक रात मैंने खुदकुशी कर ली। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और फिर मैंने मेरे बेटे और बहू को पीड़ा दी, क्योंकि उन्हें उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए थी और मैं उन्हें काफी दर्दनाक सजा देने वाली थी। लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे बोतल में बंद कर दिया। यदि आप मेरी जगह होते तो आप यही करते। इन सभी आत्माओं की बातें मत सुनो, ये बुरी आत्माएं हैं, तुम्हें धोखा देंगी।
तभी बाकी आत्माएं बुढ़िया पर चिल्लाने लगी और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी। तभी सुशांत ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, सब शांत रहो वरना हम चले जाएंगे। और आत्माएं शांत हो गईं। बताओ शर्त क्या है दादी? तो बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू किया, मुझे गलत मत समझो बच्चों, मैं तुम्हारी दादी की तरह हूँ, लेकिन हम आत्माएं हैं। तांत्रिक ने हमारी शक्तियां ले ली हैं और हमें इस कुएं में बंद कर दिया है। अगर हमें शक्ति मिल जाए तो हम निश्चिंत रूप से इससे बाहर आ सकते हैं, और एक बार मैं बाहर आ जाऊं तो आपको उस रक्त पिशाचिनी से बचा सकती हूँ। वो रक्त पिशाचिनी मेरी शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती। वो सब ठीक है, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। मुझे इस कुएं से बाहर आने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और मैं कई वर्षों से भूखी हूँ। मुझे एक जीवित मानव का शरीर खिलाओ, तभी मुझे अपनी शक्तियाँ मिलेंगी और मैं कुएं से बाहर आ सकती हूँ और आपकी रक्षा कर सकती हूँ। आपको बस मेरा नाम पुकार कर उस जीवित व्यक्ति को कुएं में धकेलना है, और फिर मैं उस आदमी का मांस और खून पीकर ताकत हासिल करके तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा नाम बकुला है। तुम उस आदमी को धकेलते वक्त कहो कि बकुला ये लो तुम्हारा शिकार, और फिर मैं उसे खा जाऊंगी। ये सुनकर सुशांत, विकास और चंदू हैरान रह गए। सुशांत ने आश्चर्य से कहा, वो सब ठीक है, लेकिन हम एक जीवित आदमी को कहां से पकड़ कर लाए? आप तीनों अभी भी जीवित हैं। आप बस फैसला करके किसी एक को कुएं में धकेल दो। जीवित रहने के लिए यह आपका आखिरी विकल्प है। ये सुनकर सुशांत घबरा गया। विकास, चंदू, जल्दी यहां से चलो, ये आत्माएं हमें मारना चाहती है। वो एक एक करके हम सबको अपना निवाला बनाएंगी। सुशांत ने कहा और वो वहां से मुड़ गया। लेकिन तभी सुशांत ने देखा कि चंदू उसके बगल में ही खड़ा कुएं में बुढ़िया को देख रहा था, और वो बुढ़िया चंदू को आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। सुशांत ने चंदू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चंदू देख क्या रहा है, जल्दी यहां से चल। तभी चंदू ने सुशांत की ओर देखा और सुशांत का कॉलर पकड़ लिया। चंदू चिल्लाते हुए बोला, सुशांत तुम्हें मरना होगा, और सुशांत को कुएं में धकेलना शुरू कर दिया। सुशांत जैसे तैसे खुद को कुएं में गिरने से बचा रहा था। ये देख दूर खड़ा विकास उन दोनों के पास भागते हुए आया। सुशांत कुएं की दीवार पर पीठ के बल खड़ा था और चंदू उसे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी विकास वहां आया और उसने पीछे से चंदू को ही धक्का मारा और चंदू कुएं में गिर गया। विकास जोर से चिल्लाते हुए बोला, बकुला ये तुम्हारा शिकार है। वैसे पानी में तैर रही सारी आत्माएं पानी में डूब गई, बस बकुला बुढ़िया को छोड़कर। वो बुढ़िया चंदू पर टूट पड़ी और उसे अपने नाखूनों से फाड़ने लगी। चंदू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो बुढ़िया उसे जिंदा ही खाने लगी। वो अपने दांतों से उसे फाड़ फाड़ कर खा रही थी। कुएं का पानी चंदू के खून से लाल हो गया था। सुशांत और विकास दोनों ये सब कुएं के बाहर से देख रहे थे। बकुला बुढ़िया ने चंदू के शव को हड्डियों के साथ खा डाला और जोर से डकार मारी। ये देखकर सुशांत ने ऊपर से कहा, दादी जल्दी ऊपर आओ और हमें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करो। तभी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, तुम कितने मूर्ख हो। बुरी आत्माएं कभी किसी की मदद नहीं करती। तुम्हारा दोस्त तो मर गया, अब मरने की बारी तुम दोनों की है। मुझे भूख लगी है। बुढ़िया जानवर की तरह कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी।
ये देखकर विकास और सुशांत की रूह कांप उठी। विकास भाग! सुशांत चिल्लाया और कटीली झाड़ी के रास्ते वहां से भागा। विकास भी उसके पीछे भागने लगा। बुढ़िया कुएं के किनारे पर बैठ गई और उसने दूर से उन दोनों को भागते हुए देखा। उन दोनों के शरीर से आती हुई खून की गंध उसकी नाक में जा रही थी। उसने अपनी जीभ को अपने होठों पर घुमाया और एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए चारों पैरों पर भागते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सुशांत और विकास जान बचाकर भाग रहे थे। बूढ़ी बकुला उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। तभी विकास भागते हुए गिर गया। सुशांत आगे निकल गया था, लेकिन विकास की आवाज सुन वो वापस मुड़ा। विकास की पैंट डर से गीली हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो बुढ़िया कुछ ही दूरी पर आकर जानवर की तरह बैठकर उन दोनों को देख रही थी। तभी बुढ़िया हंसते हुए बोली, मजेदार खाना। सुशांत विकास के पास बैठा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी बुढ़िया उनकी ओर दौड़ने लगी। ये देख सुशांत ने पास ही का एक पत्थर उठाया और जैसे ही बुढ़िया उसके ऊपर छलांग लगाने वाली थी, तभी उसके सिर में उसने वो पत्थर मारा। बुढ़िया नीचे गिरी। सुशांत ने खुद को संभाला। बुढ़िया जमीन पर जानवर की तरह बैठ गई और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी। और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली, और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं नाखूनों से कुरेद कुरेद कर जिंदा खा जाऊंगी। और वो सुशांत के ऊपर छलांग मारने ही वाली थी कि तभी दूसरी ओर से रक्त पिशाचिनी उसके ऊपर और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भेड़ियों की तरह लड़ रही थी। एक दूसरे को नाखूनों से चीर रही थी, दांतों से काट रही थी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सुशांत ने विकास को उठा लिया और दोनों वहां से भागे। इधर रक्त पिशाचिनी ने बुढ़िया की गर्दन अपने जबड़े में पकड़ ली और उसे जोर से काटने लगी। इधर कुछ देर भागने के बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी बह रहा था। विकास और सुशांत दोनों का गला सूख गया था। वे जल्दी से पानी के झरने में उतरे और पानी पीने लगे। तभी उन दोनों के कानों में मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देने लगी। सुशांत, क्या तुम वो आवाज सुन सकते हो? हाँ, कोई महिला मंत्रोच्चार कर रही है, लेकिन वो कौन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई औरत तंत्र कर रही है। अगर ऐसा है तो हमें उसके पास जाना चाहिए, शायद वो हमें उस रक्त पिशाचिनी से बचा सकती है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी अभी बुढ़िया की आत्मा ने धोखा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद एक सिद्ध तांत्रिक है, अन्यथा पिशाच या भूत प्रेत कभी मंत्र उच्चार नहीं करते। हाँ, ये भी सही है। जल्दी मेरे पीछे आओ। हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियां आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।